or you can say sign. Okay, look here, this is a sign of greater than, this is a sign of less than, and this is a sign of equal to. Do the following. Suppose if any exercise any teacher will give you, so you must be knowing how to do. आप कैसे करेंगे वो, अगर आपको उसकी जो है डिटेल पता होगी, आपके माइंड में जो है उसके साइन होंगे, और आपको जो है ब्लैंक्स फॉर्म में दिया जाए या फिर उसको किसी दूसरी फॉर्म में आपको दिया जाए, अगर वो आपको करना आता होगा, देन यू विल बी एबल टू डू. अच्छा, प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझसे क्लासरूम ऐप में, गूगल क्लासरूम ऐप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं. ओके, चलें हम मिलकर सॉल्व करते हैं. बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से देखिएगा. नंबर 1 पे मैंने लिखा है 5-9. ओके, और मुझे फिल क्या करना है, ये जो 3 साइन मैंने लिखे हुए हैं, जो सिम्बल्स हैं, मुझे इनमें से कोई एक चूज करके यहाँ पे फिल करना है. तो देख लीजिए 5-, अब ये दोनों जो है सेम नहीं है डेफिनेटली, तो मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकती. ओके, अब पहले मैं क्या करूंगी, 5 को और 9 को हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि 5 जो है वो 9 से बड़ा है या फिर छोटा है. सही है, तो 5 और 9 में आपको पहले क्या करना है, पहले सोचना है कि कौन सा इसमें से डिजिट बड़ा है या कौन सा छोटा है. तो डेफिनेटली इजिली नजर आ रहा है सबको कि 5 जो है वो छोटा नंबर है और 9 जो है वो बड़ा नंबर है, यानी कि 5 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू और 9 इज ग्रेटर वैल्यू. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको स्पिक करती हूँ तो मैं क्या कहूंगी, 5 इज लेस देन 9. तो लेस देन का साइन फौरन हमारे माइंड में कौन सा आ जाना चाहिए, ये वाला. सही है, इसको अपने माइंड में सेव कीजिएगा, लेस देन का साइन हम ये वाला अप्लाई कर देंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 8-2, यहां पे हमें अप्लाई करना है. अब कौन सा साइन अप्लाई करना है, दोनों अगर यहां पे सेम होते तो मैं इक्वल टू का साइन लगा देती. ओके, लेकिन यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा. अब डिजिट्स को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, 8 जो है वो 2 से डेफिनेटली बड़ा है, यानी कि बड़ा नंबर है. तो मैं जब इसको स्पीक करूंगी तो क्या कहूंगी, 8 इज ग्रेटर देन 2. जब मैं ग्रेटर देन 2 कह रही हूं तो मुझे कौन सा साइन लगाना है, ये वाला साइन लगाना है. ओके, तो आप लोगों ने ग्रेटर देन का ये वाला साइन यहां पे अप्लाई कर देना है. ओके स्टूडेंट, वी हैव डन 2 क्वेश्चंस एंड लुक हियर 3, 14-14, बोथ नंबर्स आर सेम. सबको ये दिख रहा होगा कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर यहाँ 14 है तो यहाँ पर भी 14 है, और अगर यहाँ पे 2 होता और इधर भी 2 होता, तो अगर हमारे सेम नंबर्स होंगे तो हम क्या लगाएंगे, ये वाला साइन लगा देंगे. सही है, इक्वल टू का ये वाला साइन अपने माइंड में आप लोग सेफ रखेंगे. 4 क्वेश्चन में देखें 30-41. अब इसमें जल्दी से एक क्विक ली, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपनी जो रफ कॉपी ले लें, या मैथ की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप उसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते ये बिल्कुल इतनी आसानी से हो जाएगा कि क्विकली आप जो है ये फिल कर रहे होंगे. अब देखें 30 जो है वो 41 से बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, ये आपने सोचना है. नॉर्मली दिख रहा है 30 के बाद हम जब पढ़ते हैं नंबर काउंटिंग को, 30, 31, 32, उसके बाद 41 आता है, तो डेफिनेटली 30 इज लेस देन 41. यहां पे हमने क्या लगाना है, लेस देन का साइन. अंडरस्टूड, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा होगा कि पहले आपने यहां पे सॉल्व करना है एंड देन फिर ये वाली जो सिचुएशन है, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू का साइन लगाना है. अब देखें, चलें इसको जल्दी से हम लोग ऐड कर लेते हैं. ये साइन सबको, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 सबको पता चल रहा होगा कि ये ऐड या जो है एडिशन का साइन है. सही है, प्लस का साइन है, इसको हम डिफरेंट नेम से कॉल करते हैं ऐड, यानी कि 4 को हम ऐड कर देंगे, 4 में ऐड कर देंगे 8. अब 8 जो है उसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से क्विकली मेरे बताने से पहले आप लोग सोचिए. 4 फिंगर्स अगर मैंने ओपन कर ली हैं तो देखें 8 से आगे मैं काउंट करती हूँ, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, तो यहां पे हम लिख देते हैं 12. ओके,
अब देखें 10 में 3 प्लस करेंगे तो 10 के बाद 10 जो है बिग वैल्यू है, बिग वैल्यू में 3 जो है वो जो छोटी वैल्यू है यानी कि छोटा नंबर है, मैं उसको ऐड करती हूँ 10 के बाद 11, 12, 13, यहाँ लिख दिया हमने 13। अब जल्दी से क्विकली देख लें इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 13 जो है वो बड़ा है, 12 छोटा है, तो हम फौरन कह देंगे 12 इज लेस देन 13। ओके, माइंड में सेफ हुआ, लेस देन का साइन ये वाला है जिसमें हम ये इजीली जल्दी से लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें 3 मल्टीप्लाई 3, ये देखें ये वाला साइन लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, 3 का टेबल हमने 3 तक पढ़ना है, 3 3 9। ओके, अब यहाँ पे 5 में 4 जल्दी से क्विकली प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 5 6 7 8 9। ओके, 9, लुक हियर, बोथ आर सेम, दोनों डिजिट सेम दिख रहे हैं, तो कौन सा साइन आना चाहिए, इक्वल टू, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 7, 18 माइनस 4, 4 प्लस 4, और इन दोनों को हमने सॉल्व करके यहां का फिल करना होगा कि हम ग्रेटर देन लगाएं, लेस देन लगाएं या फिर हम इक्वल टू का साइन लगाएं। चलें 18 माइनस 4, इसको कैसे सॉल्व करना है यहां पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा और 1 एज इट इज, यानी कि 18 में से अगर मैं 4 माइनस करती हूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ओके, 4 प्लस 4, इट इज वेरी इजी, 4 के बाद 4 फिंगर्स आप ओपन करें और 4 के बाद काउंट करें 5 6 7 8, यहां लिख लीजिए 8। अब आप इसको हम देखेंगे 14, क्विकली हमें पता चल गया 14 जो है वो ग्रेटर देन है 8 से, तो हम ग्रेटर देन का साइन कौन सा लगा देंगे, ये वाला साइन लगा देंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये साइन आपके माइंड में होने चाहिए और इसकी जो नेम है, ये जो नेम है ना इसका, ये आपको नेम माइंड में होना चाहिए। ओके, okay?